Sıvam sa suikar mushkar aap sabhi ka swagat hai mere channel Shake Life Yogsutra mein. Chaliye aaj hum baat karenge ki motape ke liye kiye gaye sare mehnat aur jitne bhi efforts kiye jate hain phir bhi uska result us prakar se nahi aa pata hai. Uske piche ke karan kya hain? Dekhiye karan ek hi hai, brain ko milne wala dopamine hormone. Dopamine hormone kisse milta hai, kaise milta hai? जिसके कारण आपका वेट और आपका बीएमआर खराब होने लगता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है. ये सब बातें आज हम इस चैनल में इस टॉपिक पर जब बात करेंगे. देखिए कैसा है कि आप तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, आप अपना समय देते हैं, आप अपना पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ पाता है. इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा ही सरल है और वो कारण है, जी हाँ, आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा, मिनिमम एफर्ट्स और मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट्स. यही तो होता है बिजनेस का रूल और हमको भी इसी तरह से चलना चाहिए. देखिए चीनी की मात्रा को चेंज कीजिए, चीनी की जगह सब्स्टिट्यूट ढूंढिए जो हेल्दी अल्टरनेटिव हो, जो चीनी से बेहतर रिजल्ट दे सकता है, जिसमें कि आपको वो इजीली अवेलेबल हो, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ही कम हो और वो हर जगह मिलने में उपलब्ध हो सके. क्या है ऐसा जो चीनी का सब्स्टिट्यूट हो? चीनी में है क्या? चीनी में अनहेल्दी है, उसके अंदर से आदत पड़ती है, चीनी बार बार लेने से हमारे दिमाग को आदत पड़ने लग जाती है. एक रिसर्च में पाया गया है कि कोकीन से 8 गुना ज़्यादा चीनी का नशा होता है. जो इंसान कोकीन की आदत नहीं डालेगा उससे ज़्यादा चीनी की आदत पड़ जाती है. और एक रिसर्च में चूहे के साथ भी किया गया, चूहे को कोकीन की आदत डालेगी, उसके बाद उसे चीनी दिया गया तो उसने कोकीन मना कर दिया और उसके सामने जब चीनी रखी गई तो उसको दौड़ के वो खाने लगा. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी की एडिक्शन कितनी बुरी होती है. अब ये किस किस में मिलता है ये आपके सामने देखिए, पैकेज्ड आइटम में पूरी तरह से शुगर लोडेड होता है. आप देखिए कितना शुगर बैड है. इन सब चीजों में हम जो बच्चों को देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, आजकल लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, वेट गेन होता जा रहा है. अब डोपामिन हार्मोन जो होता है ना, वो चीनी से बड़ा ही खुश होकर आ जाता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन को बार बार उसकी जरूरत पड़ती है. यही तो एडिक्शन है, डोपामिन खुशी वाला हार्मोन. कि अब खाया अब खाया, मिठाई के पीछे भागने लगे. फल भी खाओ, फल में भी विटामिन है, फल में भी फाइबर है, फल में भी मिनरल्स मिलते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी ठीक रहता है. तो ऐसे में ऐसी चीजों का सेवन कीजिए. अब जो चीनी बनती है ना फैक्ट्री में, उसमें इतना केमिकल होता है कि जिसमें न्यूट्रिशन जीरो होता है, बहुत ही बैड है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए. इसके नुकसान, रिंकल्स पड़ते हैं फेस पे, डार्क सर्कल आते हैं, पिंपल्स आते हैं, गम में ब्लीडिंग होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है. कितने सारे रोग तो ये चीनी आपको दे रहा है और आप समझ नहीं रहे. मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगले 21 दिन तक आप सिर्फ चीनी का रिप्लेसमेंट कर लीजिए, आपको सारा कुछ फायदा दिखेगा. और ऑप्शन में आपको देखना है तो कोकोनट शुगर देख लीजिए. ये कोकोनट के पेड़ से निकाला गया होता है और इसके अंदर बिल्कुल रिफाइंड किया हुआ बिल्कुल नहीं होता है और ये इजीली डाइजेस्ट होता है कंपैरेटिवली चीनी के. इसके बहुत से फायदे हैं, इसमें आयरन है, इसमें पोटेशियम है, इसमें जिंक है, इसमें कैल्शियम है, आयरन खून बढ़ाता है. आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिए, ये 70 है तो समझ लीजिए 35 है. कितना डिफरेंस है चीनी में और इसमें. आप दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो खजूर है, जो सूखे खजूर होते हैं उसका भी आप पाउडर बना के इस तरह से चीनी बना सकते हैं, वो भी अल्टरनेटिव है. और उसका फायदा क्या है, जो ये इसके अंदर इसमें फाइबर बहुत होता है. ये जो डेट्स है इसका बनाया हुआ चीनी, इसमें फाइबर रहेगा, इसमें विटामिन है और ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत लाभदायक होता है. अब देखो होता क्या है कि बोन्स में कटकट की जो आवाज आती है उसमें ये बहुत काम करेगा, कट की आवाज कम होगी. इसका चीनी का तो 70 है, इसका 4550 है, लेकिन इसके फायदे भी साथ साथ जुड़े हुए हैं. इसको आप मिल्क में मिला सकते हैं, टी में मिला सकते हैं, दही में मिला सकते हैं और मिठाइयों में भी मिला के खा सकते हैं. अगला नंबर आता है हमारा मिश्री का, जो पुराने दादा दादी के जमाने में मिश्री के बारे में बताया जाता था. इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है, इसमें फाइबर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है. और क्या चाहिए तुमको, कम पैसे में ज्यादा मुनाफा, टी कॉफी मिल्क जूस सब में मिला सकते हो. मिश्री इतनी बढ़िया बेनिफिट के साथ भी, चीनी में उतना कुछ भी नहीं है. और लेकिन ये जब भी आप खरीदेंगे ना तो धागे के साथ होने वाली मिश्री को ही लेना. अब हम बात करते हैं हनी की. हनी का केमिकल कंपाउंड सेम आपके ब्लड के केमिकल कंपाउंड से मैच करता है और ये आपके ब्रेन के लिए एक प्रकार से टॉनिक है, आपके दिमाग के लिए. आप इसे पराठे में, कहीं भी, किसी चीज में भी, अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं आप इसको और इजीली डाइजेस्ट होता है. ये दिल और दिमाग के लिए तो बिल्कुल जबरदस्त चीज है और चर्बी हटाता है. आप इसको ब्रेड में डालो, लेमन वाटर में डालो, दूध में डालो, यू कैन यूज इट. दूसरा आता है
स्टीविया, स्टीविया जो है ना वो यूज होता है आयुर्वेदिक, इसको मीठी तुलसी कहा जाता है। इसकी कैलोरीज अगर आप बात करेंगे ये तो 25 गुना मीठा होता है और इसकी कैलोरी जीरो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीरो है इसका, जीआई देखेंगे तो आप बिल्कुल जीरो आता है। स्टीविया के शैशे आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो कि वो थोड़े से मतलब कीमत 3 रुपए की कुछ उसकी होती है, आप किसी में भी मिला के इसको ले सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शुगर का अल्टरनेट ढूंढने लग जाते हैं, यानी कि शुगर फ्री उसके टैबलेट्स और शुगर फ्री चीजों को मिलाना। लेकिन भैया जो शुगर फ्री चीजें हैं ना ये, इसके अंदर कैंसर के गुण होते हैं, साइड इफेक्ट शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें मिलाई जाती है केमिकल, देखिए इसके अंदर ये केमिकल का असर कितना, जो मिलाया जाता है उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है। और दूसरा भी आप देखना चाहे तो देखिए, इसमें वेट गेन है, ब्लोटिंग होगी, स्किन में इरिटेशन आएगी, क्रैम्पिंग होगा, पेट में रैशेज आने लग जाते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। गुड़ भी एक अच्छा ऑप्शन है। गुड़ के अंदर क्या होता है कि जो इंडिया में ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, आप गन्ने का रस को निकाल के भी खुद घर में भी गुड़ बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो शक्कर यानी कि भूरा ब्राउन शुगर जिसे कहा जाता है वैसे इस्तेमाल कीजिए, इससे हाजमा स्ट्रांग होता है और लीवर की गंदगी साफ होती है और पेट की कब्जी दूर होती है। और अगर मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो गुड़ का इस्तेमाल कर लो, और अगर जो गर्मी का मौसम है तो भूरे का इस्तेमाल कर लो, तो ये ठंडा गर्म दोनों तासीर देता है आपको और इसके बेनिफिट्स दोनों जगह में सेम ही होते हैं, कुछ अलग अलग बेनिफिट्स नहीं है इसके। और इसके अलावा ये जो है कि 21 दिन जो मैंने आपको बताया 21 डेज, ये चैलेंज को स्वीकार करके इसको करके देखिए, आपको मूल चूल परिवर्तन दिखेगा, आपका वेट घटने लगेगा और आपके दिमाग के अंदर काफी कुछ चेतनाएं रचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। अब बात करते हैं योग की, अगर आप चाहें तो उसके साथ साथ ताड़ासन भी कर सकते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को मिला के शरीर को ऊपर तानते हुए एड़ियों को ऊंचा करके और धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं आप, ताड़ासन बड़ा ही सरल है। अब दूसरा आसन आता है कि जो चेयर के जैसा कुर्सी में जैसे बैठे हुए ऐसा कुछ करने का, घुटने में दर्द है तो इसे अवॉइड करें, कमर में दर्द है तो थोड़ा ध्यान रखें इसको कर सकते हैं, घुटना जो अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए इसका ध्यान रखते हुए आपको करना। नेक्स्ट आता है नौका आसन। अब जो नौकासन है ना, इसके दोनों तरफ आप चाहें तो पिलोज लगा के कर सकते हैं, अगर कमर में दर्द है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग कर सकते हैं, इसके लाभ बहुत ही ज्यादा हैं। ये चतुर्लिंग आसन सूर्य नमस्कार के अंदर आता है। ये आप देखेंगे कि हाथ एकदम सीधे शोल्डर के बराबर नीचे की तरफ आएंगे और जो पैर के पास जो अंगूठे हैं पैर के, उसके सपोर्ट से पैर का वजन वो संभालेंगे, इसका भी बहुत लाभ है। और सेतु बंध आसन है, ये आप बटस के नीचे पिलो रख के भी इसको कर सकते हैं, इसका भी काफी लाभ है पेट की चर्बी को कम करने के लिए, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तमाम तरह की जानकारियों के लिए आप मेरे दिए गए इस फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको फ्री काउंसलिंग दी जाएगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और व्यस्त भारत बिजी रहेगा। जय हिंद।